अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज आप कह रहे होंगे कि हमजा भाई आज बच्चों के साथ बैठे हैं, तो जी बिल्कुल मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ। तो आज आपको जो है ना बच्चों की इंटरेस्टिंग कहानी जो सुनाएंगे हम आपको, बिल्कुल रियल कहानी होगी और हमारे ही चैनल हमारे ही टॉपिक से रिलेटेड होगी। तो हमारे भाई गली में एक जानवर आया था ज़कवान भाई का, तो हम ज़कवान भाई से भी आपको मिलवाएंगे। वो जो है ना इंतकाल हो गया था उसका कुर्बानी से पहले, तो ज़कवान भाई से पूछेंगे उस जानवर की डेथ कैसे हुई थी, ज़कवान भाई हमें बताएंगे। तो भाई सबसे पहले आप ये देख लें कि मेरे साथ सारी बच्चा पार्टी बैठी है, भाई सबको सलाम कर दो भाई। अस्सलामुअलैकुम ज़कवान भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं। तो वो कहता है मैं हम लोग गए हुए थे रेस्टोरेंट वहाँ पर खाने के लिए, तो हम लोग अपने देखने वालों से ये तो पूछ लें कि भाई आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो रुको जरा सब्र करो। हाँ आप लोग कैसे, खैरियत से? फिट फाट है? हाँ ठीक है। आप व्लॉगिंग करते हैं ना, कैसे करते हैं व्लॉगिंग बताएं तो? मेरे को वो नहीं पता। वो नहीं बताएंगे, सीक्रेट है। चलो ये बताओ कि कैसे डेथ हुई थी? तो हुआ कह रहा हम लोग गए हुए थे रेस्टोरेंट, तो हम लोग वैसे घर में आए तो फिर हमारे सामने वाले गए हुए थे फ्लैटों की तरफ ना, तो वहाँ पर ना ये कहते हैं वहाँ पर एक गाय लेटी हुई थी हमारी। चुप करा दो यार। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। तो वो कहता हम लोग गए हुए थे रेस्टोरेंट, उसके बाद हम लोग घर में आए, तो उसके बाद हम लोग घर में आए थोड़ी देर में ना, तो हमारे जो घर के सामने वाले थे नेबर वो गए हुए थे फ्लैटों में ना, तो फ्लैटों के नीचे गाय बंधी हुई थी सबकी उस वक्त ना। तो क्या हुआ वहाँ पर फ्लैटों में थे ना सब लोग ना, तो वहाँ से ना उनको ना उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा क्या हुआ पता नहीं, उनको बुलाया। हम लोग खाना खाने के बाद गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जैसे हम लोग फ्लैटों के नीचे गए ना, मतलब फ्लैटों में गए ना, तो वहाँ पर फ्लैटों में गए थे या फ्लैटों के नीचे गए थे? फ्लैटों के मतलब नीचे जो मतलब शॉप्स में बनी हुई थी ना, जी जी, वहाँ से नीचे ना क्या कहते हैं मतलब वो था उसको क्या कहते हैं गाय लेटी हुई थी, तो ना हमने उसको चेक किया तो फिर ना वो मर गई थी ना, मतलब हमजा भाई ने आके बताया कि वहाँ पर गाय को कुछ हो गया। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ पर गए ना बिल्कुल लेटी हुई थी, उसको फिर हमने चेक वेक किया, उसका पेट वेट दबाया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक नहीं हुई, वहीं पर ही मर गई, मतलब डेथ हो गई। किस आप लोग कैसे पता चल रहा था किस चीज कैसे डेथ हुई उसकी? तो वो कहता वो एक गार्ड था वो हमें बताया था कि यहाँ पर एक सांप है वो बड़ा सा है, वो एक दफा उसको भी काटा हुआ है, बकरी को भी काटा हुआ है, मतलब देखा किसी ने था बस ऐसे ही बताया था कि हो सकता है सांप ने काट लिया, जी ऐसे बताया था। हाँ ऐसी है। तो इर्तिजा भाई क्या कह रहे हैं, आपने आप थे उस वक्त? भाई इर्तिजा भाई नहीं थे, आप लोग थे यहाँ पे, सबने देखी थी काऊ को। देखो मैंने भी देखी थी, बिल्कुल मैंने भी वो काऊ देखी थी, बल्कि मैं खुद जो है ना अपने जानवरों को जब खाना डालने गया तो वहाँ पे मैंने देखा यार वो गाय जो है वो लेटी हुई थी, और जिस तरह भाई ने बच्चे ने बताया तो बिल्कुल ऐसे ही सीन है। तो एहतियात करनी चाहिए ना, अपने जानवरों को देखते रहना चाहिए। बस ये था कि उस वक्त हमारे यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो बारिशें भी बहुत हो रही है, 2020 का सीन है जी, ऐसा ही है। तो भाई अपने जानवरों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। बाकी और कोई स्टोरी हमें सुनाएगा कुर्बानी से रिलेटेड? भाई ये इर्तिजा भाई है हमारे, शपाटर बच्चे हैं बहुत। मेरे पास एक और है। हाँ क्या चीज़ नहीं क्या बंद कर जब क्या कहते बकरा ज़िबा किया था ना, तो उसको जब हमने ज़िबा किया ऐसा पूरा क्या कहते उसकी पूरी खाल उतर गई, तो पूरा तड़पते गली से बाहर भाग गया था वो। गली से बाहर भाग गया? हाँ मतलब घर के ना पूरे बाहर आ गया था। अच्छा और किस किस ने व्लॉग में आना था? भाई बच्चों ने कहा मुझे व्लॉग में आना है। मैं तो पहले भी आया। भाई हादी भाई तो आपको पता है पहले भी आए, और बच्चा वाडी जो है ना वो शपाटर हुई है बिल्कुल। भाई भी आए, आप भी आए। आप कैसे आए थे व्लॉग में? हम बताओगे ऊपर से आए थे, माशाल्लाह जबरदस्त। अमान भाई ये कह रहे थे भाई मुझे कैमरा दे, मैंने वीडियो बनानी है, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं खुद जो है ना वीडियो बनाऊंगा, आप सिर्फ बैठ के देखें। तो भाई बच्चों सब ठीक हो? पेपर्स हो रहे हैं, बस ये मोटा है, पेपर्स हो रहे हैं सबके? आदि भाई पेपर खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया क्या? मैं तो फाइनल टर्म भी हो गए, माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में गए? आप 4 क्लास में। और सबके पेपर हो रहे हैं? अबे भाई ये जो है ना ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है जो इस तरह से पूछता है। चले कोई बात नहीं, ये आप देख सकते हैं जी। तो दोस्तों ये थी बच्चों की जो है ना वो एक छोटी सी स्टोरी थी। बाकी अपने अपने जानवरों का बहुत ख्याल करना चाहिए जब वो घर पे आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सीन होते हैं यार, इधर को कोई जानवर भाग जाता है। एक दफ़ा कैमल भाग गया था हमारी सोसाइटी में, तो ये सीन चलता है। बाकी ये है कि यार दोस्तों दाऊद भाई के बाद एक और स्टोरी है, उन्होंने कहा मैं आपको सुनाता हूँ एक स्टोरी। बताएं दाऊद भाई क्या हुआ था। वो स्टोरी ये है कि हमारे मोहल्ले में किसी ने गाय खरीदी थी। गाय थी या वो भैंस थी? भैंस टाइप की भैंस ही थी। तो ना वो पोल के पास क्या उन्हें बांध दी, और ना बारिशों का सीजन था आपको पता है, तो बारिशें हो रही थी। अब उन्होंने पोल से बांधी हुई थी, तो मतलब उसके अंदर करंट बहुत ज्यादा आ रहा था, मतलब पानी जमा हो जाता है तो करंट आ जाता है। तो उसने कोई टच करा होगा अपना पैर वगैरह, तो उसको जैसे करंट लग गया था और फिर वो गिरी रही। उसके बाद उन्होंने देखा कि फिर हमने तो जब पता चला जब बारिश वगैरह हो गई थी, हम जब निकले ना बाहर तो हमने देखा है गाय मर गई थी, वो करंट लग गया था। ये वाकयात बहुत होते हैं और हम सबको अपने ख्याल करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए अपने पास। जिस तरह मोहब्बत होती है ना उसका ख्याल भी करना चाहिए कि भाई किस तरह से वो रात को उठ के, आपको पता है हमजा भाई जो है ना वो रात को उठ के अपने जानवरों को देखते भी हैं। और फिर सबसे अच्छी चीज जो है ना वो आयतुल कुर्सी का दम भी करते हैं रात को, ताकि जानवर की भी सेव हो, जानवर भी सेव हो और हम भी सेव हो। वैसे भी पढ़ के सोना चाहिए जी। तो दोस्तों ये थी छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ जो कि मैं आपको आज दिखा रहा था। और महफिल जो है वो बर्खास्त करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नए कंटेंट में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। भाई अल्लाह हाफिज़ तो कर दो सारे।